राधे कृष्णा, मैं श्रुति आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल अन अकेडमी कोटा डायरीज में। हम आपको लेकर चलते हैं हर जगह, जैसे वो खाने पीने की जगह हो या वो घूमने फिरने की जगह हो, लेकिन आज मैं आपको जहाँ लेकर आई हूँ वो है हमारा कोटा शहर का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास मंदिर, राधे कृष्ण मंदिर, जो कि है तलवंडी सेंटर के पास में। हमारा जो तलवंडी सेंटर है अन अकेडमी का, उसके बहुत ही करीब वॉकिंग डिस्टेंस पे ये मंदिर है। और इस मंदिर की एक बहुत ही खास मान्यता है कि यहाँ पे जनरली, आप अभी हम अंदर चलेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ की दीवारों पे अक्सर स्टूडेंट्स कुछ लिख कर जाते हैं, अपने सपनों के बारे में कुछ लिख कर जाते हैं। उनका मानना है कि अगर वो यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो वो उनकी मंशा जो है वो जरूर पूर्ण होगी, या फिर मैं कहूँ कि फुलफिल होगी। सो गाइस, मेरे साथ आज आ गए अन अकेडमी के दो लर्नर्स, अदिति और सोनाक्षी, जो हमारे यहाँ से जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाय गाइस। हेलो मैम। हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई फ्रॉम अन अकेडमी। हेलो एवरीवन, दिस इज सोनाक्षी एंड आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जेई फ्रॉम अन अकेडमी। ओके गाइस, सो जल्दी से हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दो दैट आप लोग कहाँ से हैं। मैं रावतभाटा से हूँ। मैं लखनऊ से हूँ। ओके, सो रावतभाटा एंड लखनऊ से अदिति एंड सोनाक्षी हमारे पास यहाँ आए हैं कोटा शहर में पढ़ने। एंड मुझे ये बता दो, अगर आप रावतभाटा से, दैट इज कोटा के बहुत पास है, तो इस मंदिर में आप पहले आए हैं? यस मैम, मैं पहले भी आई हूँ और मतलब बहुत अच्छा लगा था मेरे को यहाँ आके। बहुत अच्छा मंदिर है, मतलब स्टूडेंट्स के हिसाब से तो इतना अच्छा लगता है, इतना नाइस फील होता है ना यहाँ आके, एकदम शांत वाला माहौल है। So great, so peaceful here. And what about Aditi? आप? मैम, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ एंड मेरा तो अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। गाइस, वी कैन सी अभी शाम के टाइम हम आए हैं एंड अभी आरती हो रही है यहाँ पे, तो हम भी आरती कर लेते हैं। माथुर, मैं यहाँ मैनेजर हूँ, 9 साल मुझे हो गए। ओके। मैं 14 जुलाई 2019 को आ गया था। अच्छा। अब मंदिर की स्थापना हमारे यहाँ 28 अप्रैल 1993 में हुई, और शिव मंदिर की स्थापना 1998। ओके। ये 5 साल का फर्क है। अच्छा। पहले ये मंदिर बनाया, उसके बाद शिव मंदिर बनाया। अच्छा। वो द्वादश ज्योतिर्लिंग आपको राजस्थान में एक ही मिलेगा, कहीं भी 11-12 ज्योतिर्लिंग कहीं भी नहीं। एंड सर, इस मंदिर के आगे के फ्यूचर में लाइक क्या कुछ चेंजेस होंगे, ऐसा कुछ अमेंडमेंट्स आगे बच्चों के लिए स्पेशली कुछ फ्यूचर ऐसा कुछ है अभी तक कुछ प्लान? हाँ, इसी मंदिर की मान्यता कैसे बढ़ी ये मैं बताता हूँ। हाँ जी। जैसे जैसे बच्चों की भावना बढ़ी, हाँ, लोगों ने लिखना शुरू किया, हाँ, उसके अनुसार ठाकुर जी की कृपा ऐसी रही कि उनकी मान्यताएं पूरी होने लगी। अच्छा। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई सीए, हाँ, कोई क्या बन बन के आया, तो उन्हें आस्था जगने के साथ साथ ही यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती। प्रकार से ये मंदिर पहले एक कमरे का था, फिर 2, 3, 5 ऐसे पूरे 5ों विग्रह हुए, उसके बाद फिर शिव मंदिर बना। शिव मंदिर की भी बहुत बड़ी मान्यता है, वहाँ भी जो अपनी मनोती पूरी कर, हाँ, मतलब मांगता है वो अवश्य पूरी होती है, ऐसा यहाँ पर हुआ है। अच्छा। और इसी वजह से आप भी देख रहे हैं कि पूरी ऊपर ऊपर तक, जहाँ तक बच्चों का हाथ नहीं पहुँचता, वहाँ भी बच्चे एक के कंधे पर बैठ के और ऊपर निकल नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल, इतनी ऊंचाई तक बच्चे, ऊंचाई तक हाथ नहीं पहुँच सकता, सीढ़ी लगा के वो करते हैं। इसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बच्चों में आस्था है और ठाकुर जी भी उनकी आस्था को पूरा पूरा सेव करते हैं। लेकिन बच्चे भी थोड़े यहाँ ऐसे हैं जो वास्तव में अपने उद्देश्य के प्रति हो गए हैं, इसीलिए उनकी जो पढ़ाई की सफलता प्राप्त होती है। तो मान्यता पूरी होने के बाद बच्चे यहाँ पे किस तरीके से धन्यवाद करने आते हैं, या फिर ऐसा कुछ हुआ है स्पेशल? हाँ, ऐसा कुछ लोग हो तो यहाँ के अपने दो हमारे यहाँ पंडित हैं, पूर्वज हैं, जैसे मेरे पास खड़े हैं, तो ये भी यहाँ अभी नए आए हैं, इसके पहले भी सेवा दे चुके हैं, तो हर जो है पंडित जी 2-2 साल में आते हैं, उन्होंने खुद का अनुभव है कि जो डॉक्टर या इंजीनियर जो बन के बच्चे आते रहते हैं, तो यहाँ पंडितों के द्वारा 11 पंडित, 21 पंडित, हाँ जी, और या फिर कभी कोई उपकरण जो उनको लगा कि यहाँ मंदिर में ये कमी है, उसको भेंट कर गए या उनको दक्षिणा दे गए, मतलब मंदिर के प्रति उनकी समर्पित भावना, हाँ, से वो अपना डोनेशन दे जाते हैं।
अच्छा, इस प्रकार से करते हैं। ओके, कितनी अच्छी बात हमें पता लगी है, एक खास मंदिर कोटा शहर का जहाँ पे ऐसा कुछ होता है, इतना बेहतरीन, इतना अलग, इतना डिफरेंट। सो धन्यवाद सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, एंड हम आशा करते हैं ऐसे ही बच्चों की मान्यताएं पूरी होती रहे। सो गाइज देखो, पढ़ते हैं हम यहाँ पे लोगों ने क्या क्या लिखा है, स्टूडेंट्स ने। तुम पढ़ो, कॉमेंट पढ़ो। 2024 नीट, 2025 नीट, आई गेस आईआईटी 2024, सबको खुश रखा हो, रखा करो कृष्ण जी। आईआईटी बॉम्बे 2025, आईआईटी बॉम्बे के लिए यहाँ लिखा है तुम्हें, तुम्हारे लिए तुमने सोचा है तुम्हें कौन सी आईआईटी में जाना है? मतलब वो अच्छी आईआईटी होनी चाहिए, टॉप 5 टॉप 10 जितनी भी आईआईटी अच्छी। ओके नाइस, एंड व्हाट पीपल हैव रिटन, यार यहाँ पे कहीं जगह ही नहीं है दैट यू नो हम देख सके कि हमें भी कहीं अगर हमें जगह मिल जाए लिखने को। सो नीट 2024 बेसिकली यार नीट और जे के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं मैंने देखा। नाइस, डॉक्टर संस्कार किसी ने अपने आप से ही लिखा, एम्स 2024। गाइस तुम लोगों ने अपनी विशेस लिख ली? Yes. कैसा फील हो रहा है अभी लिख के? बहुत अच्छा लग रहा है, एंड यू आर श्योर कि ये अब जो तुमने लिखा है यहाँ पे वो पूरा होगा? पूरे मन से लिखा है और उम्मीद है, बाकी तो जो भगवान को सही लगेगा वो करेंगे। बिल्कुल, बाकी भगवान की मर्जी। बिल्कुल, सो नाइस, बट इसी श्रद्धा इसी विश्वास के साथ तुमने यहाँ लिखा है, तो देखना तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी, एंड व्हाटएवर यू हैव रिटन विल डेफिनेटली कम ट्रू। ओके सो अभी मंदिर के जस्ट सामने गाइज अपन देख सकते हैं कितना प्यारा सा एरिया है, गार्डन सॉर्ट ऑफ, जहाँ पे लोग यहाँ पे वॉक पे आते हैं। तो मैं हमने यहाँ पे आके देखा एंड किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स अपनी विशेज़ यहाँ पे फुलफ़िल करने के लिए लिखते हैं, कितने खास यहाँ का भी मंदिर है, कितनी मान्यता है, कितना प्यारा यहाँ गार्डन है, एंड सच अ ब्यूटिफुल प्लेस इन कोटा शहर जहाँ पर आप आ सकते हैं। कुछ आप बोलना चाहोगे अपनी अपनी तरफ से? हम यही बोलूँगी कि बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, एंड बस फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। सो इफ़ योर पेरेंट्स आर कमिंग और इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स इज, तो लेकर आओगे उनको यहाँ पे? जी जरूर, पक्का। एंड आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आए हैं? मैं सेकंड टाइम आई हूँ यहाँ पर, बट स्टिल ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था पिछली बार से। पिछली बार भी जब मैं आई थी तो बहुत बारिश थी, तो उसमें इतना अच्छे से नहीं हो पाया था, अभी बहुत बेटर था। तो मज़ा आया? बहुत मज़ा आया गाइस। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अन अकेडमी कोटा डायरीज, एंड इसी के साथ राधे कृष्ण। राधे कृष्ण।